राज्य के नेखाई युद्ध स्थल एक बार फिर अपनी नई गौरव गाथा लिखने जा रहा है। जिले के जिन वीर शहीदों ने सन 1796 में जिस बुलेंदा बाजीराव पेशवराव के पुत्र अली बहादुर सेनापति नायक यशवंत राव को तथा उसकी 10,000 सेना सहित परास्त करने में अपने प्राण निछावर कर दिए, उन शहीदों की यादों में चिरस्थायी बनाने का संकल्प पूरा किया जाएगा। 8 फरवरी को वहाँ पर विभिन्न निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह के पत्रकारों को नेखा युद्ध के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वो यह भी बताया कि 8 फरवरी को प्रदेश के पूर्व मंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ला द्वारा नेखा युद्ध के वीर शहीदों की याद में निर्मित स्मारक चतुर्य शौर्य स्तंभ संग्रहालय एवं विजय तोरण द्वार आदि के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। साथ ही बलिदानों के क्षेत्रों से लाई गई मिट्टी का भी पूजा किया जाएगा। इस अवसर पर बृहस्पति सिंह, रविनंदर सिंह, देवेंद्र सिंह, ब्रजेंद्र सिंह, हरि प्रकाश सिंह उपस्थित रहे। उस समय आज इसकी आवश्यकता हुई कि लोगों तक ये बात जाए, लोग समझें। सब तक हमारा पहुंच पाना कठिन है, लेकिन लोगों ने जब समय ऐसा युग आया है कि बाबा के आगे का नाम बता पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, तो हम 400 वर्ष पीछे की बात याद कर दिला रहे याद कर रहे हैं। तो ये बात उन घरानों तक जाए, उन वंशतों तक जाए कि जिनके पूर्वजों ने यहाँ राज्य की रक्षा के हमारे पूर्वजों के साथ लहू बहाया है। उस हमारे पूर्वजों से नहीं आते हैं, उनका सबका ऐसे गौरवान करते हैं और नमन करते हैं उनके पूर्ण का स्मरण करते हुए। तो आप लोगों से हमारे संदेश है कि उन गांवों का जो हम लोग नाम बताएंगे, अगर उन गांवों का नाम आ जाए, सबका नाम आ पाना तो कठिन है, लेकिन गांव का नाम आ जाए तो उस गांव के निश्चित तो कुछ लोगों में जागृति आएगी। और उस दिनांक को जो 8 फरवरी करने जा रहे हैं उसकी भूमि पूजन, उन तमाम स्थानों से उस गांव की पवित्र मिट्टी और जल अगर यहाँ आ जाएगा, उसकी पूजा होगी, वो स्थापित किया जाएगा। और जो ये कीर्त स्तंभ बनेगा, सौर स्मारक बनेगा, उन तमाम में उन सब वीरों का और जिस वीर कुल के हैं वो उनका नाम अंकित कराया जाएगा। सबसे परिचित हैं उन तमाम सब लोगों से ये नहीं, जैसे कोठी से नहीं कर सक पा रहे, और कई स्थान है। उसमें कई लेखों ने लिखा है कि अगर उसमें रायपुर के कचुली तेज उनके बघेल और यहाँ के गहरवार और ये बघेल न होते, अभी तो हम सब लोग क्या स्थिति रिवा क्या हम लोग बघेल खंड में नहीं होते, ये बुदेल खंड होता, बुदेल खंड जिन्होंने कुछ न चाहते हुए स्वप्रेरणा से अपने आप को बलिदान किया हो, आज हमको तो बड़े शौक से बड़े गर्व के साथ उसको याद करना चाहिए, मानना चाहिए। और उसके याद में आप लोगों का चाहते हैं कि बढ़ चढ़ कर तो सहयोग करें और वहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे, क्योंकि कोई शहडोल में है, कोई अनूपपुर में है, कोई सतना में है, कोई अन्य जगह है, तो आप लोगों के माध्यम से जो हमारी पुकार वहाँ तक पहुँचेगी तो निश्चित तौर से उनके अंदर वो रक्त अभी भी प्रवाहित होगा, कहीं ना कहीं वो कम ज़्यादा भले हो गया हो। 1703 और 1796 जो नेखा युद्ध के संबंध में हमारे अग्रज सम्मानित श्री लाल बहादुर सिंह जी ने आपको विस्तार से बताया, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि कितनी बड़ी गौरव गाथा थी 1703 बुंदेला युद्ध की और 1796 नेखा युद्ध। 1703 के युद्ध में मात्र 42 लोग हृदय साहब बुंदेला की 1000 सेना से मुकाबला करके और रीवा से वो पराजित करके और बुदेलखंड उनको वापस किए। चाहत कुछ नहीं थी, जैसा अभी दादा ने बताया कि पप्पा ने कहा कि जाओ प्रतापगढ़ और वहाँ से महारानी को लाओ, युवराज को लाओ और उनका राज तिलक करो। अपन आते हैं नेखाई के युद्ध में, दादा ने विस्तार से बताया रीवा राज्य का इतना बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास, कल्पना करिए कि एक तरफ 200 लोग और एक तरफ 10,000 सेना, उस 10,000 सेना से जिन लोगों ने विजय अर्जित किया हो और उनके सम्मान में रीवा के तत्कालीन महाराज अजीत सिंह जी ने उस नेखाई के मैदान में उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए छतुरियों का निर्माण कराया।
सेना सेना रीवा राज परिवार, यहाँ के हम आप सब की उदासीनता के कारण वो अपने दुर्दशा पर आंसू बहा रही थी, वो नए कहाई किरण बूंद। मैं कहना चाहूँगा कि कितने धन्यवाद के पात्र हैं हमारे अग्रज, में धन्यवाद दे नहीं सकता, मैं उनका छोटा भाई हूँ, पर चूंकि सामयिक बातें कुछ बातें कहना पड़ता है कि दादा ने उसको जीवन दान देने का बीड़ा उठाया। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।